लव कड़क पार्ट थ्री, जिसमें आपने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ लिया, वो आप पिछली वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट थ्री में समस्याएं आएंगी, ठीक है। अब आप जो पार्ट थ्री में जो पढ़ेंगे, इसका लव गुणक का प्रयोग क्या है। सबसे पहले अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे हमें ये पता होना चाहिए हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसी तरीके से कोई भी टॉपिक जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसका ध्येय नहीं मालूम हो। लव गुणक का आपको समाकलन, अवकलन, या फिर आप देखते हो कि लव गुणक का छोटी से छोटी माइनर से माइनर संख्याओं के लिए उनकी मल्टीप्लाई या उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लव गुणक का प्रयोग करना पड़ता है। फिजिक्स में आप कोई भी सवाल कर रहे हो, ज़्यादातर लॉग का प्रयोग होते हैं, उसमें एंटी लॉग या लॉग, उसके लिए आपको इसमें हम लॉग को आगे लेके चलते हैं, समाकलन करते हैं, काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो इसमें आप बात कर रहे हैं आगे, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है, यहाँ ए है या बी है, और यहाँ मान लो दे रखा है एक्स, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर बी को रहने दो, यहीं पर बी यहीं पर है, और जो एक्स है ये ए है, ए पहुंच जाएगा यहाँ, तो आपको समझ में आ गया बी इधर और ए इधर। आप पुनः देखें, अगर कोई भी वैल्यू इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर थ्री है या टू है, और यहाँ दे रखा है एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, थ्री यहाँ और टू यहाँ कर दो बस, बी यहाँ और ए यहाँ, जो यहाँ दे रखा था वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर थ्री या टू है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स, ठीक है। समझ में आया, इसमें वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ई एक्स बराबर थ्री, हमने माना, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ई की पावर थ्री। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये आ कैसे गया, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू दे रखी है, ए या बी कुछ भी दे रखा है, या सेवन दे रखा है, क्या दे रखा है, सेवन, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला टर्म है वो पहले यानी इस साइड में, और जो बी वाला है इस साइड में, बस खत्म, ए बराबर बी, और जो दे रखा है वो क्या बन जाएगा, घात में। समझ में आया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वी ए ए बी, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि बी की पावर एक्स जाएगा या ए की पावर जाएगा। तो इसके लिए आप फिर से हम बता रहे हैं, आपको यह देखना है या फोर दे रखा है या थ्री दे रखा है, और यहाँ दे रखा है मान लो टी दे रखा है, टी, क्योंकि समाकलन में इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर फोर यहीं रहने दो, थ्री यहीं रहने दो, टी यहाँ पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे हमने लव गुणक में एक सवाल दिया, और ये जो सवाल है इसके लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप अपने नोट्स में उसके लिए बना लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर दे रखा है लॉग, यहाँ दे रखा है ए, और यहाँ दे रखा है टू, और यहाँ दे रखा है एट, ठीक है। अब इसको निकालना है, ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, ए का, तो आप क्या करेंगे, ये आ गया, यस सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है एट और यहाँ लिखा हुआ है टू। अब वो बोलेगा कि ए का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, ए का, ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए ए का मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अब प्रयोग करने के लिए हमने आपको बताया कुछ नहीं करना है, ये कर दो बस, आठ ऊपर है वो इधर हो गया, ए इधर हो गया, अब जो टू बचा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। अब आठ जो है, आठ को क्या ले सकते हैं, दो की पावर तीन, ए की पावर टू, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर एट है तो एट कितनी पावर होता है, दो की पावर तीन, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये थ्री दे रखा होगा, या क्या दे रखा होगा, थ्री, क्योंकि ये क्या हो गया, अब आधा मतलब घात कैसी होगी, बराबर, तो ए का मान आराम से सिंपल हो जाएगा, ए का मान कितना आ गया, दो। अब इसमें अगला जो सूत्र है वो क्या है, लॉग, यहां पर दे रखा है ई और यहां पर भी दे रखा है ई, तो कितना हो जाता है, वन। जैसा कि एक सवाल है, यहां पर लिखा हुआ है लॉग ई की पावर एक्स, ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, x आगे आ जाता है, तो x क्या आ गया, तो कितना हो गया, log e हो गया, तो ये क्या हो गया, x। अब
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि e की पावर कहीं दे रखा है, मान लो 2 sin x, क्या दे रखा है 2 sin x, सॉरी यह दे रखा है e की पावर 2 log x, क्या दे रखा है e की पावर 2 log x। तो आप यहां देख रहे हैं e की पावर 2 log x दे रखा है। अब इसको कैसे हल करना है, इसका हल करने का क्या काम करना है, e की पावर log, ये हो गया x2, क्या हो गया x2। अब बच्चे को क्या काम करा, इससे ये काट दिया, आगे आंसर x2। अब बच्चे को यही नहीं मालूम x2 आया कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, e की पावर log e, और यहां पर दे रखा है a, तो वो कितना आता है, a होता है, कितना आता है a। ये फॉर्मूला जो है इसका प्रयोग समाकलन अवकलन सभी में प्रयोग हो रहा है, जैसे e की पावर log और यहां दे रखा है sin x, क्या दे रखा है sin x, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है कितना हो गया sin। वो आया कैसे, क्योंकि जो यहां पर है वो यहां पर है, आधार में भी है, तो e की पावर log sin x क्या हो गया sin x। अगर मान लो यहां लिखा है e की पावर log x, तो कितना आंसर आएगा x, कितना आएगा x। e की पावर log cot x, तो कितना आएगा x। e की पावर log 2, यहां पर कितना e, तो कितना आएगा 2। यानी ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप यहां पे पढ़ रहे हैं e की पावर, अगर पावर भी नहीं दे रखी है, अगर जैसे मान लो केवल सिंपल दे रखा है, जैसे अवकलन में आप देखते हो यहां दे रखा है x की पावर x, इसको हमें log में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, e की पावर log कर दो, क्या कर दो e की पावर log हो गया। अब आपको क्या करना है, जो दे रखा है वो लगा दो, बस हो गया। यानी कि log को केवल एलजेब्रिक फंक्शन बनाने के लिए ये कर लिया, अब एलजेब्रिक फंक्शन के लिए क्या कर लिया, log में कर लिया e की पावर log x, क्योंकि यहां पर बेस में कितना है e है, कितना है e। आप log में जितनी गहराई में जाओगे उतने आपको नए नए फॉर्मूले मिलते जाएंगे, जैसा आप जानते हो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, -∞, वो डिपेंड करती है बेस पर, किस पर डिपेंड करती है बेस पर, a बड़ा है, a 1 से बड़ा है या a 1 से छोटा है। अगर a क्या है, बड़ा और छोटा है, तो log, जैसे आप पढ़ते हो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 1 की वैल्यू कैसी होती है 0। इसी तरीके से आप इसमें पढ़ेंगे log 0 की वैल्यू -∞, वो डिपेंड करती है a पर, बेस पर। इसके लिए आगे की जानकारी के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से log 0 की वैल्यू -∞ क्यों होती है और कैसे होती है, और log 1 की वैल्यू 0 ही क्यों होती है, उसके लिए आपको अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।